हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जावा में हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोजेक्ट पे और यहां से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और ध्यान रहे कि आपको यहां पर वही नाम, जो भी नाम आप लिखेंगे यहां पे, जैसे सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूं मल्टी, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल लिख रहा हूं मैं, और डॉट जावा लगाएंगे क्योंकि जावा एक्सटेंशन होती है जावा फाइल की, तो यहां डॉट जावा लगाना जरूरी है। लेकिन जो नाम यहां लिखेंगे वही नाम आपको क्लास का भी देना है। ओके किया हमने, अब यहां से क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल के नाम से क्लास बनाएंगे, MULTIPLE मल्टीपल हमने किया और इसी के नाम से हम क्लास भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ओके किया हमने, तो यहां पर ये इस तरह से आएगा। अब हमको करना क्या है, यहां पे डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करके और यहां पर जो चीजें कंटेंट लिखे हुए हैं पहले से, इनको कंट्रोल ए प्रेस करके और हम बैक स्पेस की से डिलीट कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर का यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे इसको, सेमी कॉलन लगाकर क्लास बनाएंगे। तो मैंने बोला था कि मल्टीपल नाम से ही क्लास बनेगा, तो मल्टीपल नाम से हमने क्लास बना दिया। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्ट्रिंग पास करते हैं, तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हमने args, ठीक है। तो ये हमने पास किया एक स्ट्रिंग, ठीक है। ध्यान रहे कि इसके बाद आपको कोई सेमीकोलन नहीं देना है, इंटर करके नीचे आइएगा, यहां पर लगाइएगा कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद फिर नीचे आएंगे। तो अब इंटीजर यहां हम ले लेंगे, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, और यहां पर तीन वेरिएबल एबीसी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप यूजर को क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे, वो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, तो यहाँ पे वो चीजें प्रिंट होकर आएंगे, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में लिखते थे तो प्रिंट एफ लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ और अगर बात करें पाइथन की, तो वहां प्रिंट लिखा जाता है, ठीक है, सी आउट लिखा जाता है आपका सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा जाता है, ठीक है। तो एंटर टू नंबर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये यूजर को दिखाई देगा स्क्रीन पे, तो यूजर दो नंबर एंटर करेगा, ठीक है। अब यहां पे स्कैनर लगाता हूं ताकि यूजर से हम इनपुट करवा सकें। तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। तो यहां पर हमने टर्मिनेट कर दिया इसको, और एंटर करके नीचे अब आएंगे, तो यहां पर हमें अब एक एक वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो ए इज इक्वल टू नेक्स्ट SC डॉट नेक्स्ट, और इंट का आई कैपिटल इंट, ठीक है, इंट आपको लिखना है, और यहां पर इसको करना है क्लोज, क्लोज कर दिया। अब नीचे आएंगे तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, लिखने की जरूरत दोबारा पड़ेगी नहीं इसको अगर कॉपी कर लेता हूं। तो इसको कॉपी किया हमने और इसी को नीचे पेस्ट कर देता हूं, सिर्फ हमें वेरिएबल का नाम पर बदलना रहेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया और यहां पे बी किया, और देन नीचे आएंगे तो यहां पर अब सी करेंगे, सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए इनटू बी कर दिया, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब यहां पर प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये किया हमने, और यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज, और यहां पर डबल डॉटेड कॉमा लगा लीजिएगा, और यहां पर लिखेंगे हम प्लस सी, क्योंकि ये वैल्यू जाके सी में स्टोर होगी, दैट्स व्हाई यहां प्लस सी लिखेंगे। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है दोनों, और ये हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार है। अब इसको कंपाइल करवाते हैं, तो नो सिंटैक्स एरर। अब हम इसको रन करवाने वाले हैं, तो यहां से जाएंगे और यहां से रन करवाएंगे इसको। तो ये मैंने करवा दिया रन, तो यहां लिखा हुआ आ रहा है एंटर टू नंबर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो पहला नंबर चलिए एंटर कर देते हैं 6, और देखते हैं दूसरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जैसा कि आप जान सकते हैं 6 7 42 होता है, तो यहाँ पे 42 आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब चलिए इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करवाता हूँ यहाँ से, तो ये हमने दोबारा से रन करवाया इसको,
और यहां पर आ रहा है फिर से लिखा हुआ, तो इस बार मैं 5 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 9 से, तो यहां 45 आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। उम्मीद है यह प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।